नमस्कार, मेरा नाम संजय नैथानी है और मैं इसराइल केमिकल्स लिमिटेड में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर हूँ। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों न्यूट्रीवांट सीरीज की। ये न्यूट्रीवांट सीरीज जो है ये इसराइल केमिकल्स की फोलियर न्यूट्रिशन लाइन है। फोलियर न्यूट्रिशन लाइन का मतलब हुआ कि ये ऐसी खाद है जो पानी में घोल के पत्तों पे स्प्रे करने के लिए है। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूं, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा इसके असर के बारे में। तो ये चित्र आप देखिए, इसमें तीन रेखाएं हैं, नीली, हरी और लाल। नीली रेखा जो है वो नॉर्मल एमपीके है, एमकेपी है। नीली रेखा नॉर्मल एमकेपी है। हरी रेखा में एमकेपी के साथ स्टिकर मिलाया है और लाल रेखा जो है हमारा पीक वॉन्ट नाम का फर्टिलाइजर है। तो जहां बाकी खादों की करीब 150 घंटे बाद पौधे ने उन खादों को सोखना बंद कर दिया, हमारी पीक वांट खाद को लगभग 350 घंटे तक पौधे ने लिया। तो जहां और खाद करीब 0.1% पौधे ने एब्जॉर्ब की, इसे 2.5% पौधे ने एब्जॉर्ब किया। अब मैं आपका परिचय इन खादों से कराना चाहूंगा। ये चार ग्रेड है हमारे पास इस समय। पहली ग्रेड है स्टार्टर, जैसा नाम बताता है इसे शुरुआत में स्प्रे करना है फूल आने से पहले। स्टार्टर ग्रेड ये 11-36-24 नाम का ग्रेड है और इसे फूल आने से पहले स्प्रे करना है। दूसरा पीक वांट है 0-49-32। ये खाद फ्लावरिंग के बाद स्प्रे करनी है। इस खाद के स्प्रे से डाउनी मिल्ड्यू, फ्लावरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल में सहायक होती है। तीसरी खाद हमारी बूस्टर है। इसका फॉर्मूला 8-16-39 है। जैसा आप जानते हैं ये पोटाश हैवी ग्रेड है और ये फ्रूट डेवलपमेंट जब शुरू होता है तब स्प्रे करनी है और मैच्योरिटी के टाइम पे पौधे को बहुत अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारे पास फ्रूट वांट नाम का 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड ये ग्रेड है। तो किसान भाइयों ये हमारे चार फोलियर ग्रेड हैं। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी पैदावार और बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। धन्यवाद।